इसमें बिगिनिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और सबसे आपका जो ये सेकंड है पेपर, आपका टफ पेपर होने जाता है, तो इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसको आप फोकस करिए, तो आप इसलिए आप लोग जो है अच्छे नंबर्स में लाएंगे। जो है इस चैप्टर में आपको आरपानेट है, इंटरनेट है, डब्ल्यू नेट एटिक्वेट्स जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अतिरिक्त इसमें काफ़ी टॉपिक्स दिए गए हैं, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, ओनर कौन है इंटरनेट का, एनाटॉमी क्या है, आर्पानेट क्या है, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इस पे निकलते हैं। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं RIT चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट में हम लोग ये सीखेंगे कि इंटरनेट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो चलिए आपको पहले नोट दिखाते हैं कि नोट्स हमारा किस टाइप का रहेगा। यहाँ पे हमारा नोट्स है जो ऑलरेडी हमने ओपन कर रखा है, ये हमारे नोट्स हैं। आपको इसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी, ये चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है, और ये आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, पूरा डिटेल्स में है। ये आपको नोट्स है, ये हमारा इंग्लिश में नोट्स दिया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क्स इसके अंदर दिया हुआ है। दूसरा नोट्स है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें आपको टॉपिक्स दिया हुआ है, सारा सारे टोपोलॉजीज, कंप्यूटर नेटवर्क, लेयर्स, तो ये भी हमारा टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी नोट्स आप लोगों को ये डिटेल्स में मिल जाएगा पूरा। दूसरा हमारा ये हिंदी में है, ठीक है, तो इस ये भी नोट्स आपको मिल जाएगा। इस नोट्स की हमने आपको बताया था कि कॉस्ट जो हमारी है नोट्स की वो 150 रुपीज़ है। आप 150 रुपये पे करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, और आप पे करने के लिए आप पेटीएम है या फ़ोनपे या गूगल पे का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक वाइज में हमारे पास जो टॉपिक है वो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। तो इसमें देखिए हमने इसी अकॉर्डिंग बनाया है इसको, है टॉपिक वाइज इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट सूचनाओं का एक सेंटर है जहाँ से बहुत सारी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। हम अपने मोबाइल पर जितने भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी कंप्यूटर से प्राप्त होती हैं, और उस कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वर हमारा जो है वो एक प्रकार का जो है सूचनाओं का सेंटर है, और उससे हम प्राप्त करते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। या इंटरनेट एक प्रकार से बहुत सारे कंप्यूटरों का समूह भी है, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें कंप्यूटर जुड़े होने की जो संख्या होती है वो लाखों करोड़ों अरबों में होती है। तो यहाँ पे सूचनाएं हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा था इंटरनेट। इंटरनेट के बाद में हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ इंटरनेट क्या है यहाँ पे, यानी इंटरनेट का विकास। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे विकास यानी कि हिस्ट्री। देखिए इंटरनेट का जो स्टार्टिंग है वो अमेरिका से माना जाता है, अमेरिका के सेना ने इसका प्रयोग स्टार्ट किया था, और 1969 में आरपानेट नाम की कंपनी ने इसको स्टार्ट किया। उस समय इसने चार कंप्यूटर को जोड़ करके बनाया था, और 1972 में लगभग जुड़ने वाले कंप्यूटर की संख्या थी 37, यानी 37 कंप्यूटर 1972 तक जुड़ गए थे। 72 से 73 और कई इस साल के बाद धीरे धीरे कंप्यूटर की संख्या जुड़ने का जो सिलसिला था वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था। 1982 में TCP/IP नामक पोर्टल का प्रयोग करके और कंप्यूटर को जोड़ने का काम थोड़ा सा स्पीड में आया जाए। BSNL ने हमारे देश में इंटरनेट का स्टार्टिंग किया। तो इस तरीके से हिस्ट्री थी, ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है, आप इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर हम ग्रोथ ऑफ इंटरनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट का जो विकास है उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, और इस योगदान में इंटरनेट का जो है विकास काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग कंट्रीज के थ्रू। इंटरनेट के विस्तार के अगर जो मेन वजह है वो ये है कि एक दूसरे की सूचनाओं को बिना खर्च के या बहुत ही कम खर्च में हम लोग एक दूसरे को शेयर कर पाते हैं, तो विकास होने का सबसे बड़ा यही वजह है। 1995 के आसपास जो है हमारे पास जो यूजर्स थे वो लगभग
करोड़ों की संख्या में थे और 2008 में लगभग 20% की बढ़ोतरी हो गई है। 1995 में और 2008 में लगभग 20% का जो है काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ोतरी हो गई। इंटरनेट का जो हिस्ट्री है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों के द्वारा विकास किया गया है। अब आर्पानेट ने स्टार्ट किया, आर्पानेट ने इसे 4 कंप्यूटरों को साथ में जोड़ करके स्टार्ट किया था। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और आर्पानेट ने अमेरिका में एक परियोजना स्टार्ट की और उसी परियोजना के तहत कंप्यूटरों को जोड़ना की शुरुआत हुआ। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ डिटेल्स दिया है, आप इसको स्टडी करिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अनदर टॉपिक्स पे और वो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे हिस्ट्री। हमने आपको बता दिया बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज क्या होंगी, यहाँ पे आइए इसको देख लेते हैं। तो पहले यहाँ देखते हैं कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो किन कंपोनेंट्स का, किन डिवाइसों का आवश्यकता पड़ती है हमें जो है। तो देखिए, हमें एक तो NIC की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नेशनल इंटरफेस कार्ड। NIC हमें जो है कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए एक कार्ड लगा हुआ होता है। इसके बाद में हमें एक हब की जरूरत पड़ेगी। हब क्या होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे। केबल की जरूरत पड़ेगी, स्विच है, मॉडम है, राउटर है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी आपको कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। मॉडम क्या होता है, मॉडम हमारा एक प्रकार का डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में आ रहे सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित कर देता है। एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट। हमारे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे देखिए, जैसे हमने कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए काम किया, जैसे ये क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे हब दिया हुआ है और हब हमारे राउटर से यहाँ जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हब का हमने प्रयोग किस लिए किया है, हमने 2 कंप्यूटर को जोड़ने और एक तीसरा नेटवर्क से जोड़ने के लिए हमने भी यहाँ यूज किया है। अब यहाँ पे हमारा रिमोट नेटवर्क भी है, इधर हमारे पास स्विच लगा हुआ है, ये क्या है स्विच, ये भी हमारे 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ही यूज किया जाता है। इतनी हब और स्विच में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मीडिया सर्वर भी जुड़ा हुआ है इससे, और हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारे वो डिवाइसेस जिनका प्रयोग हम लोग नेटवर्किंग के अंतर्गत करते हैं। मॉडम 2 प्रकार का होता है, एक तो मॉडम हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है और एक मॉडम हमारा होता है जो कंप्यूटर के बाहर होता है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉडम। अब एक्चुअल में हम लोग मोबाइल में अपने इंटरनेट चलाते हैं तो मोबाइल के अंतर्गत जो इंटरनेट हम चला रहे होते हैं वो मोबाइल के अंतर्गत इंटरनेट हमारे इंटरनल मॉडम लगा हुआ होता है, और जो एक्सटर्नल मॉडम होता है जैसे कि हम लोग USB या डोंगल का प्रयोग करते हैं अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए, तो वो मॉडम हमारा एक्सटर्नल मॉडम कहलाता है। तो ये कई तरह के मॉडम्स और हब हो सकते हैं यहाँ पे। अब हम हब की बात कर रहे हैं तो लोकल एरिया को जोड़ने के लिए हम लोग जो है लाइन का प्रयोग करते हैं और उस समय में जरूरत पड़ती है एक हब की। हब एक ऐसा डिवाइस है जो लाइन में एक सेंटर पॉइंट पर कार्य करता है। लाइन के सभी नोड केबल के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं और फिर उनके बीच में डाटा सिग्नल माध्यम से भेजा जाता है। अब यहाँ पे हब कई प्रकार का बताया गया है, डम हब, स्मार्ट हब, इंटेलिजेंट हब। यह हब केवल एक नोड से सिग्नल प्राप्त करके उसी अवस्था में दूसरे नोड पर भेज देता है। स्मार्ट हब जो है हमारे यहाँ सिग्नल को ट्रांसमिट करने के अलावा उनमें मैनेजमेंट का काम भी करता है। इंटेलिजेंट हब यह सभी प्रकार के नेटवर्क जो है मैनेजमेंट का काम करता है। यह हब एक से अधिक टेक्नोलॉजी की सुविधा भी प्रदान करता है, यानी हम एक साथ में कई टोपोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हों तो भी हम यूज कर सकते हैं हब। स्विच, स्विच ब्रिज का एक एडवांस रूप है, इसकी क्षमता ब्रिज से ज्यादा होती है। स्विच एक प्रकार का मल्टीपोर्ट ब्रिज के रूप में काम करता है जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों को लाइन में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का एक बफर होता है, जब वह कोई पैकेट प्राप्त करता है तथा पैकेट को
प्राप्त करने वाले लिंक के सभी बफर स्टोर पर भेज देता है और एड्रेस को आउटगोइंग लिंक के लिए चेक करता है। वह कभी कभी सीआरसी को भी चेक करता है। तो यहाँ पे स्विच का निर्माण दो अलग अलग तकनीकों पे किया गया है। एक तकनीक यहाँ पे है, हम यहाँ पे स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक का प्रयोग करते हैं, और दूसरा यहाँ पे है कट थ्रो स्विच। राउटर, राउटर क्या है? यह एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो विभिन्न आर्किटेक्चर जैसे इथरनेट, टोकन रिंग इत्यादि को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअल में राउटर को आपको सही मायने में समझना है तो मैं आपको यहाँ पे इसका एक फोटो दिखाता हूँ। राउटर आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, बहुत सारी डिवाइसेस राउटर्स की यहाँ पे, तो ये राउटर्स है। राउटर को मैं यूज आपको दिखाता हूँ ऐसे समझने के लिए थोड़ा सा, कि यहाँ पे हमने वाईफाई राउटर है ये, तो हमने दो लैपटॉप्स को यहाँ पे पेन ड्राइव्स को प्रिंटर्स को आपस में जोड़ करके रखा है, यानी हम एक साथ में कई डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। राउटर के मदद से हम लोग राउटर में अगर हम डीएसएल केबल लगा करके यानी मॉडेम के माध्यम से नेट कनेक्ट कर देते हैं तो सारे डिवाइसेस नेटवर्क में तो हो जाएंगे, साथ साथ में इंटरनेट भी उसमें शेयर हो जाएगा। तो ये राउटर का काम हमारा है। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से राउटर का वर्क लिया जा सकता है। तो राउटर एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स डिवाइस है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो मुझे लग रहा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा कि हम राउटर का प्रयोग किस कार्य के लिए कर रहे हैं। राउटर एक्चुअल में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट यानी कि रेफरेंस मॉडल पर काम करता है। ये रेफरेंस मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है और इसकी मदद के लिए लॉजिकल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, और ये नेटवर्क पर पैकेट को भेजने और राउटर पैकेट्स को उपलब्ध पाथ की कीमत के आधार पर भेजता है, जिससे कि मास नेटवर्क टोपोलॉजी में अधिक पाथ की समस्या हल हो जाती है। राउटर पैकेट के डेस्टिनेशन नेटवर्क का उपयोग करते हुए वे तभी कार्य करते हैं जब उनको प्रयोग करने के लिए प्रोटोकॉल राउटेबल हो या ब्रिज से अलग हो, तो प्रोटोकॉल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अब यहाँ पे राउटर दो प्रकार का यूज किया जाता है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। अब इसके बारे में हम आपको आगे क्लास में डिटेल्स में और बताएंगे आपको। तो यहाँ पे ब्रिज क्या है? ब्रिज का एडवांटेज जो हमारा है यानी कि एडवांस रूप हमारा जो है वो स्विच है। ब्रिज एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क को विभाजित कर देता है। ब्रिज वैसाई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे काम करता है और इसका उपयोग हम लोग अलग अलग तरह के मीडिया को जोड़ने के लिए करते हैं। ब्रिज का भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ब्रिज का प्रयोग करके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ब्रिज है, यह हब लगा हुआ है और बीच में एक ब्रिज रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि ब्रिज का यूज हम लोग किस प्रकार से कर पा रहे हैं। आप लोग यहाँ देखिए, ये ब्रिज है हमारा और ये हमारे हब से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ब्रिज का प्रयोग कर रहे हैं। मैं दूसरा कोई एग्जांपल दिखाने प्रयास करता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आने का शायद प्रयास कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा इंटरनेट है, यहाँ से हमने एक एडीएसएल मॉडेम लगा रखा है, इस मॉडेम को हमने स्विच से ऐड कर दिया है। अब इस स्विच से हमारे पास पीसी हमारे जुड़े हुए हैं, लैपटॉप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक एनवीआर भी हमारा जुड़ा हुआ है, आगे एक कैमरा भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक वायरलेस ब्रिज लगा दिया गया है, और हमारे पास एक अलग कंप्यूटर है और उससे स्विच से जोड़ दिया गया है, उससे कैमरे से जोड़ दिया गया है और अगले ब्रिज से जोड़ दिया गया है,
और फिर ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ ब्रिज का प्रयोग हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से अगर पिक्चर जनरेट कर देंगे तो आपका समझिए कि आंसर में थोड़ी सी दम आ जाएगा जो है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ब्रिज का जो है। तो ब्रिज मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। तो ये डेटा लिंक लेयर पे काम करने वाला डिवाइस है। आपको समझने के लिए डेटा लिंक की बात आई है तो यहाँ पे एसआई मॉडल हमारा जो होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं और ये उन्हीं लेयर्स की बात कर रहा है। एसआई मॉडल, एसआई एंड टीसीपीआईपी मॉडल यहाँ पे हम भी ले लेते हैं साथ में, थोड़ा सा आपको इसकी समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग को एक बात समझनी ध्यान से है कि ब्रिज हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है। आप देखिएगा तो यहाँ पे ये ओएसआई मॉडल है, इसमें 7 लेयर होते हैं और यहाँ पे ये सेकंड लेयर पे काम कर रहा है। और अगर हम टीसीपीआईपी में बात करेंगे तो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, यहाँ पे नेटवर्क लेयर है हमारा। तो अगर हम ओएसआई मॉडल में बात करेंगे तो ये हमारा नेटवर्क लेयर अलग हो जाएगा और यहाँ पे नेटवर्क लेयर अलग है। टीसीपीआईपी मॉडल में नेटवर्क लेयर इंटरनेट लेयर को कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ब्रिज का समझ लिया हमने कि कहाँ पे किस पे काम कर रहा है। अगर आप ये मॉडल बना करके थोड़ा एग्जाम्पल दे देंगे तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा आपको नंबर और बढ़ सकते हैं इसमें। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो ब्रिज को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, लोकल ब्रिज है, रिमोट ब्रिज है एंड वायरलेस ब्रिज है। गेटवे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, गेटवे का उपयोग अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। गेटवे का प्रयोग आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो गेटवे दिया हुआ है हमारा, यह गेटवे यहाँ पे हमारे पास एक एनालॉग फोन है, ये पीबीएक्स बॉक्स है, ये भी एक प्रकार का गेटवे है और ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से होते हुए जुड़ी हुई हैं। आगे हमारे पास वैन सर्विस है जिसको हमने अपने गेटवे जोड़ दिया, पीएसटीएन को भी हमने जोड़ रखा है। आगे हमारे पास फिर से एक ब्रिज है, गेटवे है, यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया। ये हमारा स्विच है और इस स्विच से सारे आईफोन, सिस्को कॉल मैनेजर, एमसीयू, वर्क स्टेशन और एप्लीकेशन सर्वर्स जुड़े हुए हैं और ये आकर के हमारे एक गेटवे से जुड़ जा रहे हैं। तो ये गेटवे का यूज हम जो है इधर के माध्यम से आते हुए यहाँ पे कर सकते हैं या इनका प्रयोग हम लोग इधर कर सकते हैं वर्क स्टेशन पे। मतलब कि किस प्रकार से कंप्यूटर आपस में एक दूसरे जुड़ा हुआ है तो गेटवे का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि गेटवे, तो गेटवे एक ऐसा नाम है जो नेटवर्क के अवयव यानी नेटवर्क डिवाइसों की एक बहुत बड़ी श्रेणी को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर हो वो अलग अलग प्रोटोकॉल के बीच कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। गेटवे भी हमारा ओएसआई मॉडल के ऊपरी लेयर पे काम करता है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है। अब वेब हिस्ट्री, तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो हमारा WWW है उसका आविष्कार से पहले इंटरनेट का प्रयोग बहुत कठिन था। वर्ल्ड वाइड वेब से इस पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजना तथा इसके उपयोग में लाना काफी कठिन था। इंटरनेट पर उपलब्ध फाइलों को ढूंढना, डाउनलोड करना, यूनिक्स स्किल तथा विशिष्ट टूल की आवश्यकता पड़ती थी। टिम बर्न ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट किया। टिम बर्न ली ने पार्नस यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो कि स्विट्जरलैंड में है पर काम कर रहे थे और वह इंटरनेट का प्रयोग करने के जटिल विधि से बहुत ही निराश हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको आसान बनाने के लिए कोई इंटरफेस प्रोग्राम की आवश्यकता होगी ताकि हम इस इंटरनेट का जो है यूज करना आसान बना सकें। सर CERN ने उनके कार्य करने के लिए हमेशा इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती थी और इंटरनेट पर उपयोग व शोध कार्यों को करने के लिए अपने दोस्तों से जुड़ते रहते थे।
तो उसमें आने वाली समस्याओं जो को इन्होंने बात करके एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो उसे आसान बना सके। 1989 में इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब के विकास के लिए सीआरएन के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर फिजिक्स विभाग को एक लेटर भेजा, लेकिन वो लेटर अभी जो है स्वीकृत नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपने दोस्त रॉबर्ट से मिल करके उस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए कुछ सुझाव में विचार विमर्श करके और दोबारा भेजा, तो वो जो है प्रस्ताव इनका मंजूर हो गया। मंजूर होने के बाद में वर्ल्ड वाइड वेब की परियोजना को अधिक तौर पर जो है यूज करना शुरुआत हुआ। 1991 में इंटरनेट का जो है यूज में सूचनाओं का यूज जो हमारा है वो काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। 1993 में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एजेंसी एनसीएसए ने मोजैक का पहला संस्करण लॉन्च किया जो कि बाजार में उपलब्ध कराया गया। मोजैक यानी कि ये पहला वेब ब्राउजर है जिसका प्रयोग हम लोग जो है इंटरनेट पर आजकल कर रहे हैं, जिसे हम लोग मोजैक फायरफॉक्स भी कहते हैं, और यह WWW के लिए काफी वरदान साबित हुआ और ये एक सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हो गया। और वहीं से हमारे इंटरनेट की जो शुरुआत है वो अच्छी तरीके से शुरू हो जाती है और इंटरनेट का जो प्रयोग है उनकी जो जटिलताएं हैं उनको कम होना शुरू हो जाता। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनेट्स की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1969 से स्टार्ट होता है आर्पानेट का। फिर हम बात करते हैं 1973 जहां पे FTP और TCP/IP प्रोटोकॉल का विकास होता है। 1976 में इथरनेट यानी कि इंटरनेट का प्रयोग हम लोग इथरनेट के थ्रू शुरू करते हैं और 1982 में इंटरनेट ठीक रूप से आता है। 1990 के आसपास वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत होती है और 1994 लाइकॉस, 1995 में ईवे, जावा, AOL और डिफरेंट कंपनी आई। 1998 के आसपास गूगल आता है। 1999 के आसपास MySpace.com, Napster, 2000 में iTunes आया है, 2004 में आपका जो है मोजैक फायरफॉक्स का लेटेस्ट वर्जन और फेसबुक और गूगल क्रोम भी यहीं पे स्टार्टिंग होती है। तो ये 2000 अलग अलग डिफरेंट टाइम में यहाँ पे अलग अलग विकास हुआ है और इंटरनेट जो है हमारा, तो ये आप ईयर्स वाइज जो है कुछ चीज़ों को नोट जरूर कर लीजिए। यूट्यूब भी हमारा 2005 के आसपास आया था। तो दोस्तों ये डिफरेंट थी थोड़ा सा जो आपको जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की, तो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या है। तो नंबर एक बात करेंगे यहाँ पे पासवर्ड क्रैकिंग की। एक्चुअल में पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, तो एक प्रकार का इंटरनेट के माध्यम से हम पासवर्ड को प्राप्त कर लेते हैं किसी का, यानी कि अगर किसी ने अपने कंप्यूटर्स में कोई पासवर्ड लगा रखा है, किसी ने अपने फाइल में कोई पासवर्ड लगा रखा है और अगर हम उस पासवर्ड को प्राप्त कर लेते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग पासवर्ड क्रैकिंग, जो कि एक प्रकार से अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। तो पासवर्ड एक प्रकार का क्रैकिंग करना एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम लोग जो है ऐसा काम करते हैं, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो हमारे किसी फाइल को जो है या तो पासवर्ड देना ही ना पड़े और अगर देना पड़े तो उसका पासवर्ड मुझे पता चल जाए, इसी को कहते हैं हम लोग पासवर्ड क्रैकिंग। पैकेट स्निफिंग, इंटरनेट पर डाटा को पैकेट में बांट करके भेजा जाना, डाटा पैकेट को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसकी पहचान करके उसके रिकॉर्ड का लेना, जैकेट स्निफिंग कहलाता है। तो यहाँ पे पैकेट स्निफिंग कहलाता है, यहाँ पे इस गलत लिख दिया गया है, पैच। आप लोग पैच के बारे में सुना होगा, सर नहीं सुना होगा तो भी मैं आपको बताता हूँ कि पैच क्या है। बहुत सारी कंपनियाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती हैं लेकिन उनके डेवलपमेंट के बाद भी बहुत सारी उसमें कमी कुछ ना कुछ रह जाती है। जैसे कि विंडोज 10 या विंडोज XP जब भी डेवलप किया गया होगा तो उस समय उस हिसाब से कोई भी कमी नहीं रखी गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही समय के बाद में ऐसा लगा कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये चीज होना चाहिए, उनके नए अपडेट्स आना शुरू हो गए। यानी ये अपडेट्स आना ही एक प्रकार का यहाँ पे पैच है।
तो जो आपसे अपडेट भेजता है वो ही पैच कहलाता है। पैच एक प्रकार का छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे फिशिंग, फिशिंग मतलब होता है कि किसी के कंप्यूटर से, किसी के मोबाइल से, किसी डिवाइस से किसी की पर्सनल सूचना को, किसी के पासवर्ड को, यूजर नेम को प्राप्त करना ही फिशिंग कहलाता है दोस्तों। जिस प्रकार से आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे सूचना को किसी के कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से निकाला जा रहा है, तो इसे कंप्यूटर की भाषा में फिशिंग बोला गया है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, यानी यह कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने, उसकी स्वीकृति को प्राप्त करने तथा वेरीफाई करने की एक पद्धति है। इसमें नेटवर्क सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पिक्चर्स को आप लोग, सिग्नेचर्स, डेटा, प्राइवेट की, यानी कि कोई सिग्नेचर कैसे हो रहा होता है, तो यहाँ पे सिग्नेचर हमारा जो है वो एक प्रकार के डेटा में रहता है और डेटा हमारी प्राइवेट की के थ्रू इनक्रिप्टेड रहती है। डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट्स होता है जो लॉक होता है हमारा। एक प्रकार का डिजिटल सिग्नेचर हमारा हायस एल्गोरिथम से डेवलप किया गया होता है। जब भी उसे रिसीव किया जाता है तो इसे डिक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी कि जो अभी इनक्रिप्ट किया गया था वो यहाँ पे डिक्रिप्ट कर दिया जाता है और वापस इस डेटा को प्राप्त कर लिया जाता है हैश वैल्यू को, और फिर यहाँ पे रिसीव की गई वैल्यू को मिलान किया जाता है। तो ये है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। एक्चुअल में हमारी सूचनाओं को किसी एक विशेष प्रकार की फाइल में रख करके उन्हें इनक्रिप्ट कर देना और वापस उस सूचना को प्राप्त करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम प्रयोग किया था जिसे हम लोग हैश एल्गोरिथम भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर को वेरीफाइड कर दिया गया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत आती हैं। डिजिटल सिग्नेचर यानी तकनीक का प्रयोग करके कंप्यूटर पर स्टोर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना बिना हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ा जाता है तथा उसकी वैधता भी प्रमाणित होती है। डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटर पर कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि उसको जो अनधिकृत उपयोग करता है उसकी पहुंच से दूर रखा जा सके। ज़्यादातर इसका प्रयोग हम लोग ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस के लिए प्रयोग करते हैं। स्पैम, स्पैम एक प्रकार का वायरस होता है। कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर अनेकों प्रकार के जो है या अवैध रूप से भेजा गया मैसेज स्पैम कहलाता है। आप लोग के मेल में जो भी मेल आता है उनमें कुछ मेल स्पैम के अंतर्गत चले जाते हैं और उन सभी मेल्स को स्पैम कहा जाता है। वह मेल्स जो कि किसी कंपनी के द्वारा भेजा गया है और वह मेल्स जो है एक साथ में बल्क में बहुत सारे लोगों को भेजी जाती हैं और भेजी गई मेल्स जो हमारी हैं वो स्पैम की श्रेणी में आ जाती हैं। अगर एक ही मेल बार बार भेजा जाता है तो भी स्पैम की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अगर एक ही मेल बार बार भेज रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्पैम है, तो यहाँ पे कंपनियां उसे स्पैम बना देती हैं। इंटरनेट या नेट एटिक्वेट का जो है क्या है, तो यहाँ पे नेट एटिक्वेट का मतलब यहाँ पे कि हम लोग जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, यहाँ पे यूट्यूब है, इन सभी जगहों पे जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई चैटिंग कर रहे होते हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, तो जो हमारा बिहेवियर है वहाँ पे किस प्रकार से होना चाहिए। कई बार लोग वहाँ पे गाली गलौज भी लिखना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट पर हमें यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेट पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारा शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कई प्रकार की आपको जानकारी जो है जब शेयर करते हैं तो उस समय हम अपने व्यवहार को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जैसा कि भड़काऊ या आपत्तिजनक कमेंट ना करें, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी या वीडियो को शेयर ना करें, ये एक गोपनीय जानकारी तो उसे गोपनीय बनाए रखें। कभी भी बड़ी मात्रा में अनचाहे ईमेल भेजकर दूसरे को स्पैम ना करें। ऑनलाइन गेम खेलते समय अच्छी स्पोर्ट मैनरशिप दिखाएं, चाहे आप जीते या हारें। वेब फोरम में वेबसाइट की टिप्पणी में लोग बार बार परेशान करने या परेशान करने से ट्रोल ना करें। किसी भी ईमेल या पोस्ट में कैपिटल लेटर का उपयोग करने से बचें। कुछ लोग सोचते हैं कि संपूर्ण संदेश के लिए कैप्स लॉक बटन को रखने से पढ़ने में आसानी होगी, जबकि वास्तव में इसके विपरीत है। यानी केवल मुश्किल ही नहीं है बल्कि चिल्लाहट के रूप में भी सामने आता है, जो कि काफी कठोर लगता है।
ऑनलाइन फोरम में पोस्ट करते समय, फोटो वीडियो पे कमेंट्स करते समय विषय पर आप चिपके रहते हैं, जो कि गलत है। जैसे कि आप यूट्यूब या फेसबुक पे आप कमेंट करते हैं और फिर आप चिपके रहते हैं कि कोई हमें कमेंट का जवाब दे, तो ये भी एक प्रकार का गलत है। इंटरनेट पर आप अपनी सही भाषा का प्रयोग करें दोस्तों। तो ये है हमारे बहुत सारे पॉइंट जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे जो है। अब बात करेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। इंटरनेट के इतिहास में ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि इंटरनेट के बिना ये पॉसिबल भी नहीं है, और इसने इंटरनेट को भी ग्रोथ दिया है और इंटरनेट इसको भी ग्रोथ दिया, यानी कि बिजनेस को भी ग्रोथ दिया है। यानी ये वो प्लेस होता है जहाँ पे व्यक्ति अपने बिजनेस को ला करके और वर्ल्ड वाइड सेल या परचेज कर सकता है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी किताब, वीडियो, डोमेन, ई लर्निंग या और बहुत सारी तरह की चीज़ों को ला सकते हैं। ये सभी क्षेत्र चाहे हमारे कस्टमर्स को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराने में आसान होता है और यहाँ पे हम कम पैसे में सर्विस दे सकते हैं। ई कॉमर्स का विस्तार रूप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग खरीदारी तो करते करते साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है सर्विस भी देते हैं। तो इंटरनेट का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा है और इस क्षेत्र में ई कॉमर्स का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है जो है। 1970 में EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तकनीक का प्रयोग करके ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके माध्यम से व्यावसायिक दस्तावेज जैसे कि परचेज ऑर्डर, इनवॉइस को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा था। बाद में से अधिक जो है गतिविधियों के रूप में वेब फॉर्म के नाम से जाना जाने लगा। इसका उपयोग सामान को खरीदने और बेचने के आराम हम लोग जो है कई तरह की सर्विस को देने में भी करते हैं। तो ई कॉमर्स के बारे में जैसे कि ईबे है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे बहुत सारी लाखों कंपनियां हैं जहां से आप जुड़ करके और अपने सामान को खरीद और सेल भी कर सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या है, यानी कि ई गवर्नेंस का यूज क्या है, यानी कि इनके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस का मतलब है कि सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुँचाना ही ई गवर्नेंस है, जिसमें सरकारी कार्यालयों एवं जनता दोनों के पैसे एवं समय की बचत होती है और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों के चक्कर भी लगाने नहीं पड़ते। तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाज को ऑनलाइन कर दिया गया, जिससे जनता को घर बैठे विभिन्न प्रकार के कार्यों को ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। अब सरकार की आम नागरिक को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1970 से 1977 के आसपास रही। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना ई शासन के द्वारा दिशा में पहला कदम था, यानी कि इसकी शुरुआत आज की नहीं है। ई गवर्नेंस की शुरुआत, इसकी शुरुआत काफी पुरानी है और आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की सरकार आम जनता के लिए अपनी सुविधा इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। विश्वविद्यालय में दाखिला हो या विश्वविद्यालय का फॉर्म भरना हो या हमें कोई सूचना देखनी हो या हमें कोई प्रमाण पत्र बनाना हो या हमें अपना रिजल्ट देखना हो, ये बहुत सारी काम जो है हमारे ऑनलाइन होते हैं। अब बात करेंगे कि ऑनलाइन भी कई तरह के जो है बिजनेस होते हैं, तो जैसे उसमें B2B बिजनेस है, यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन सेल या परचेज करता है किसी बिजनेसमैन को तो वहाँ B2B कहलाता है। यानी एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन से यहाँ पे सेल या परचेज कर रहा है, जबकि अगर B2C की हम बात करें तो बिजनेस टू कस्टमर होता है, यानी कि जब कोई बिजनेसमैन किसी कस्टमर को सेल या परचेज कर रहा होता है तो B2C कहलाता है। तो ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य है, जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग का काम कर सकते हैं, GST संबंधित सभी काम आप कर सकते हैं, बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि सभी प्रकार के बिल आप भर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जात प्रमाण पत्र का सत्यापन, ये सभी काम आप कर सकते हैं। अपने इनकम टैक्स का रिटर्न भी आप कर सकते हैं, ट्रेन, बस या जहाज का आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो काफी काम है हमारे पास इंटरनेट से रिलेटेड जो है। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G का यहाँ पे यूज हम लोग जो है यानी एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में यूज किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर मध्य प्रदेश से कोई भी बातचीत करती है तो वहां पे G2G कहलाएगा।
जी टू सी का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, यानी जब किसी सुविधा को लेकर के गवर्नमेंट नागरिकों से सीधा बातचीत करती है तो उसे हम लोग जी टू सी कहते हैं, या एक प्रक्रिया सरकार और नागरिक के बीच का स्थापित करता है। जी टू बी का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि जो है जब कोई भी गवर्नमेंट किसी बिजनेस से जो है रिलेटेड काम या व्यवसाय के बारे में बात करती है तो वहाँ पे जी टू बी कहलाता है। जी टू ई यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, यानी कि जो इम्प्लॉयज हैं चाहे वो सरकारी चाहे प्राइवेट हो उनसे संबंधित, जैसे कि पीएफ है। अब पीएफ आपको गवर्नमेंट में मिलता है और प्राइवेट में मिलता है, तो ये भी एक प्रकार के जो भी आएंगे इम्प्लॉय उन्हें हम लोग जी टू ई के बारे में रखेंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर का जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट में है, जैसे कंप्यूटराइजेशन है, नेटवर्किंग्स है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, जो है ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी है, तो ये काफी टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पे ये गवर्नेंस से आते हैं। अब बात करेंगे अगले टॉपिक्स, यानी कि अभी हमारा लास्ट टॉपिक होगा साइबर क्राइम। यहाँ पे मैंने आपको एक साथ काफी टॉपिक्स यूज किया, यहाँ पे गवर्नेंस टू इंटरनेट है। अब यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट आर सोसाइटी, यानी कि इंटरनेट का प्रभाव हमारे सोसाइटी पे किस प्रकार से करता है, यानी कि क्राइम ऑन थ्रू द इंटरनेट। यानी यहाँ पे जो चैप्टर है मेन नाम इसका है कि क्राइम से है, यानी कि क्राइम ऑन थ्रू इंटरनेट, यानी इंटरनेट की मदद से लोग क्राइम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो इंटरनेट का इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट में हम बात करेंगे साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है। तो साइबर क्राइम क्या है, यहाँ पे पहला चीज तो ये है कि इंटरनेट की मदद से जब कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। अब इसमें कोई भी धोखाधड़ी, जालसाजी या किसी प्रकार की शरारत या किसी सूचना को किसी दूसरे या गलत जगहों पर शेयर कर देना, ये सभी कुछ आता है आपके एक साइबर क्राइम के अंतर्गत जो है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स दिए गए, किसी कंप्यूटर को निशाना बनाना, कंप्यूटर का प्रयोग करके अपराध करना, ये सभी चीजें आती हैं आपके क्राइम के अंतर्गत। तो क्राइम भी विभिन्न प्रकार के कामों में आता है, जिसमें कि अनऑथराइज एक्सेस करना, हैकिंग कर लेना, किसी के डेटा चोरी कर लेना, किसी की पहचान चुरा लेना, किसी कंप्यूटर में वायरस फैला देना, ट्रोजन का अटैक करना, ये सभी कुछ आपका आता है आपके हैकिंग से रिलेटेड जो है। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर को बिना आपकी परमिशन के एक्सेस करता है तो वो अनऑथराइज एक्सेस कहलाता है। तो ये एक प्रकार का गलत प्रोग्राम है, यानी कि ऐसा करना गलत काम है। जैसे कि हम डेटा की थेफ्ट कर लेते हैं, तो यानी डेटा की चोरी करना, किसी संस्था, किसी व्यक्ति या कंप्यूटर से संबंधित सूचनाओं को अगर चोरी कर लिया जाए तो वो कहलाता है आपका अनधिकृत एक्सेस। कंप्यूटर वायरस फैलाना, कंप्यूटर में आप किसी के वायरस को फैलाते हैं, यानी कि कंप्यूटर वायरस क्या है, तो एक प्रकार का ये छोटा सा प्रोग्राम होता है और आपके कंप्यूटर में उसे किसी भी तरीके से अगर डाला जाता है तो वो भी एक गलत काम कहलाता है। साधारणतः कंप्यूटर में वायरस या वर्म्स आ जाते हैं जो हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति संस्था किसी ऐसे प्रोग्राम को अनावश्यक रूप से फैलाते हैं तो उन्हें इस अपराध के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये भी प्रकार का वायरस है और ये भी प्रकार का क्राइम है। भारतीय आईटी एक्ट 2008 के सेक्शन 43C और 43E के अंतर्गत वायरस फैलाने के कार्य को सजा का प्रावधान दिया गया है। पहचान की चोरी करना, यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट करना, जैसे कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी की चोरी कर लेना, जैसे कि आधार कार्ड की कोई जानकारी चोरी कर लेना, कंप्यूटर नेटवर्क पर स्वयं की पहचान बचा करके स्वयं को दूसरे के नाम पर प्रस्तुत करना, किसी के साथ में घपला करना, बेवकूफी करना, आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध की धारा में आता है सभी चीजें जो है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का पासवर्ड का प्रयोग करना, डिजिटल सिग्नेचर की नकल करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है। ट्रोजन अटैक उस प्रोग्राम को कहा जाता है जो किसी दिखावे में तो लगता है कि ये वायरस नहीं है, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर में प्रकार के सूचनाओं को चोरी करता है और डिफरेंट डिफरेंट तरह से हमारे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाता है। नेटवर्क का अनाधिकृत तौर पर प्रयोग करना, नेटवर्क का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की जानकारी को प्राप्त कर लेना, बड़ी संख्या में आपको ईमेल भेज देना, जैसे हम लोग मेल बॉम्बिंग भी कहते हैं, फाइनेंशियल जानकारी को क्रैश कर देना, यानी इसी तरह की बहुत सारी जानकारी आपकी चोरी हो जाती है जो है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है
इंफॉर्मेशन को हमारी बिना मदद के जो है या हमारे बिना जानकारी के चोरी करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। आपके कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस है, यानी कि अगर हम बचना चाहते हैं तो हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को डाल कर रख सकते हैं, फायरवॉल का प्रयोग कर सकते हैं, डेटा को आप बैकअप ले सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग कर सकते हैं, डेटा को आप इनक्रिप्ट के फॉर्मेट में भी रख करके कर सकते हैं। तो ये विभिन्न तरह से हम जो है यूज करके और हम साइबर क्राइम से या अपराध से बच सकते हैं या बचने का ये उपाय हैं। अब आएंगे अगले टॉपिक्स पे, यानी जिसका नाम है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ये चैप्टर्स हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा समझाया। अब अगला चैप्टर हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो